यूनियन के अंदर था, झांसी में डीसी का सेक्रेटरी था, उसके बाद लगातार मैं कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहा। लेकिन मेरे मन में जो बात रही वो ये रही कि मैं जहां भी था लेकिन मुझे वहां जब भी कुछ नजर आया तो उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, चाहे सोनिया गांधी की मीटिंग में मैंने आवाज उठाई हूँ या मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के एक मंत्री राजकुमार चौहान के खिलाफ करप्शन के मामलों को लेकर एक केस जस्टिस मनमोहन सिंह की कोर्ट में फाइल किया हो, जो कि इंक्वायरी चल रही है। तो क्या वो केस और ये जो आपने जो आरोप लगाए कांग्रेस पर वही बेस बना कि आपको आप पार्टी? खाली आरोप नहीं लगाए मैंने, सारे एविडेंस पेश किए। आरोप तो होते हैं हवा में, कई बार उठ जाते हैं। मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने सारे एविडेंस पेश किए। आपके दिल्ली के एक मीडिया हाउस पंजाब के एसपी द्वारा 200 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे, उसमें कोऑपरेट कर रहे थे, उसमें दिल्ली सरकार के लोग भी शामिल थे, उस आवाज को जब मैंने उठाया, मेरे खिलाफ दिल्ली में जो माहौल बनाया कि ब्लैकमेलर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, जनता ने पहचाना, सही पहचाना, और अरविंद केजरीवाल ने मुझे पहचाना, मुझे कहा कि आप आम आदमी पार्टी में काम करें। मैंने काम किया और वहाँ के वॉलंटियर्स ने कहा कि आप चुनाव लड़ें, मैं चुनाव लड़ा। उन वॉलंटियर्स की मेहनत से, अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के कारण आज मैं विधानसभा में एक विधायक बना हूँ, लेकिन मैं हूँ आम आदमी।